हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड टू इंग्लिश, उसमें यूनिट थ्री द वाइज ब्लाइंड मैन जो मैंने कल आपको एक्सप्लेन कराया था और उसके स्पेलिंग भी मैंने लिखाए थे। ठीक है, अभी आज उसकी एक्सरसाइज देखेंगे हम। एक्सरसाइज में है टिक द करेक्ट आंसर, एक क्वेश्चन वो है, दूसरा क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और फिर है सी राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, जो सेंटेंस सही है उस पे ट्रू और जो गलत है उस पर फॉल्स लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं। अभी फर्स्ट है द ब्लाइंड मैन वॉज वॉकिंग अलोंग द ब्लैंक। जो ब्लाइंड मैन था वो कहाँ से चल रहा था, तो ऑप्शन है उसके रिवर, अ रोड, अ ट्रैक्स, सॉरी अ रिवर, अ रोड, सॉरी ओ में ए में है रिवर, बी में है रोड और सी में है ट्रैक्स। तो आंसर क्या आएगा, हमको मालूम है लेसन में कि वो जो है वो रोड पे से चल रहा था, बराबर रोड पर चल रहा था, तो वो आंसर आएगा रोड। ठीक है, सेकंड द ओल्ड मैन वॉज नॉट एबल टू ब्लैंक। ओल्ड मैन जो था वो क्या नहीं कर सकता था, तो ए वॉक, बी टॉक, सी सी एस डबल सी यानी देखना, कि चल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, बात नहीं कर सकता था या देख नहीं सकता था, तो वो ब्लाइंड मैन था, तो यानी कि वो देख नहीं सकता था, तो सी में राइट आएगा। ठीक है, एस डबल सी और ऑप्शन बी है उसका सी, बी सी में से सी। थ्री द ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग विद द हेल्प ऑफ अ ब्लैंक। जो ओल्ड मैन था वो खाली जगह की हेल्प से चल रहा था, तो ए बाइसिकल, बी स्टिक, सी मैन, तो हमें मालूम है वो स्टिक की हेल्प से चल रहा था, तो स्टिक जो लिखा है बी में उस पर राइट आएगा। ठीक है, फोर नंबर द ब्लाइंड मैन ऑलवेज कैरीड अ ब्लैंक। हमेशा जो ब्लाइंड मैन है वो उसके वो क्या अपने साथ रखता है, तो लैंप, बास्केट या बैग, तो वो क्या रखता है, लैंप रखता है। ठीक है, नेक्स्ट द यंग मैन फेल्ट ब्लैंक ऑफ हिमसेल्फ। यंग मैन जो उस पर हंसा था उसको अपने आप पे क्या आया, शर्म आई। ठीक है, तो ashamed, प्राउड या गिल्टी, तो जो ashamed वर्ड है उस पर राइट आएगा। ठीक है, इस तरह से ये टिक द करेक्ट आंसर हो गए। अभी बी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है वेयर डिड द ओल्ड मैन लिव। ये जो ओल्ड मैन था बुड्ढा व्यक्ति वो कहाँ पे रहता था, तो द ओल्ड मैन लिव्ड इन अ स्मॉल हट इन ए विलेज। जो ओल्ड मैन था वो छोटी सी झोपड़ी में गांव के अंदर रहता था। नेक्स्ट सेकंड व्हाट टाइप ऑफ अ पर्सन वॉज द ओल्ड मैन। वो जो ओल्ड मैन था वो कैसा पर्सन था, कैसा व्यक्ति था। द ओल्ड मैन वॉज विजुअली इम्पेयर्ड। वो कैसा था, वो ब्लाइंड था, वॉज ब्लाइंड, वो देख नहीं सकता था। ठीक है, थर्ड व्हाट स्टार्टल्ड द यंग मैन। यंग मैन को क्या आश्चर्य हुआ, तो द यंग मैन सो दैट द ओल्ड मैन, ओल्ड ब्लाइंड मैन वॉज वॉकिंग विथ अ लैम्प इन हीज हैंड विच स्टार्टल्ड द यंग मैन। उसने देखा कि ये जो ओल्ड मैन है वो ब्लाइंड है और उसके हाथ में क्या है, वो लालटेन है, तो उसको इस वजह से आश्चर्य हुआ, वो स्टार्टल हुआ इस वजह से। फोर नंबर व्हाट डिड द ओल्ड मैन से टू द यंग मैन। ओल्ड मैन ने यंग मैन से क्या कहा, द ओल्ड मैन सेड द यंग मैन दैट he carried that lamp for not him but for other people because they
सी द लैम्प एंड डू नॉट हिट विथ हिम, उसके साथ टकराए नहीं, इसके लिए वो लालटेन लेके चलता था। व्हाई डिड द यंग मैन फील एशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो जो यंग मैन था उसको अपने आप पे शर्म क्यों आई? तो द यंग मैन फेल्ट एशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, रिप्लाई ऑफ द ओल्ड मैन, जो ओल्ड मैन ने जो रिप्लाई दिया उससे उसको अपने आप पे शर्म आई, क्योंकि उसने क्या किया था, उसने उसका मजाक उड़ाया था, ओल्ड मैन का मजाक उड़ाया था। फिर ओल्ड मैन ने कहा कि मैं ये जो लैंप रखता हूँ वो दूसरे के लिए रखता हूँ कि दूसरे तुम्हारे जैसे लोग ये देखे और मुझसे टकराए नहीं, इसके लिए रखा है। तो यह सुनकर उस यंग मैन को अपने आप पे शर्म आ गई। ठीक है, सी राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। अभी तीसरा क्वेश्चन है कि जो सही है उस पे ट्रू और गलत है उस पे एफ। द ओल्ड मैन वॉज ब्लाइंड एज वेल एज वाइज, वो ओल्ड मैन अंधा तो था लेकिन होशियार भी था, तो ट्रू उसमें आएगा टी। सेकेंड, द ओल्ड मैन वॉज कैरिंग द लैम्प फॉर अदर्स सो दैट दे डिडंट हिट अगेंस्ट देम हिम, जो ओल्ड मैन है वो अपने साथ वो जो लैम्प रखता था क्योंकि दूसरे लोग उससे टकराए नहीं, तो ये भी सही है। ठीक है, तो उस पर आएगा टी। द यंग मैन बिगेन टू लाफ एट सीइंग द ओल्ड मैन, यंग मैन है जो उसने ओल्ड मैन को देखकर हंसना शुरू कर दिया, सही है क्योंकि उसके हाथ में वो लैम्प था और अंधे को लैम्प की जरूरत नहीं होती, ये समझ कर उसने हंस दिया था। फोर द यंग, तो थ्री नंबर जो है वो भी राइट आएगा। ठीक है, द यंग मैन फेल्ट प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, अभी ये द यंग मैन है उसको अपने आप पे गर्व हुआ, तो वो ये सेंटेंस गलत है क्योंकि उसको गर्व नहीं हुआ था, उसको अपने आप पे शर्म आई थी। ठीक है, उसने उस ओल्ड मैन को ऐसे उसके ऊपर हंसा था इसलिए। ठीक है, तो ये पूरी एक्सरसाइज हो गई, अब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेसन देखेंगे। ठीक है, ये लेसन ये जो मैं बोली हूँ वो आप लोग लिख देना। ओके, थैंक यू।